श्रीमान सिंधिया जी, श्रीमान सिंधिया जी, श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया जी, धन्यवाद। श्रीमंत सिंधिया, श्रीमंत सिंधिया, श्रीमंत सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय। मैं काहे तू काहे घबरा रहा है भैया? वो सब रुक जा भैया ने पीछे। सामने माहौर साहब ने पीछे और भैया ने पीछे भैया साहब साइड में रहो। भैया साइड में बन रही है, उसका बन के आया यार। बहुत धन्यवाद जनता। अरे दादा है ही, आप यही रहो, यही रहो, यही रहो। भारत का धर्म और सबसे महत्वपूर्ण भारत का अध्यात्म विश्व पर राज करता था। कोई देश नहीं जिसने चार धर्मों को जन्म दिया। भारत का हिंदू धर्म पूर्व से पश्चिम देशों तक समुद्र के रास्ते से, नीचे से देख लो, भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो चुका था। ये विदेशी शक्तियां यहां आई, उस समय भारत एक औद्योगिक केंद्र होता था विश्व का, इंडस्ट्रियल कैपिटल। ये शक्तियां यहां आई और भारत का जो रॉ मटेरियल होता था, उस रॉ मटेरियल को लेकर विदेश भेजकर उसके उत्पादन में परिवर्तित करके वही फिनिश्ड गुड उत्पादन भारत को बेचा जाता था। जैविक खेती में जिन्होंने अपना पहचान राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व स्तर पर बनाया है, पद्मश्री श्री सुंदरराम जी, हमारे पद्मश्री जगदीश पारेख साहेब,
हमारे राजस्थान के सीकर जिले से आते हैं। मंच पर श्री सचिंद्र वॉरियर जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और इस सभागार में उपस्थित सभी स्वाध्याय स्वदेशी जागरण मंच के मेरे पदाधिकारीगण, भाई और बहन, सर्वप्रथम तो मुझे इस बात का अत्यंत हर्ष और गौरव है, समुद्र मार्ग से उस सोने की चिड़िया को खोजो और कई देश की नौसेना को आदेश दिया गया था कि भारत का रास्ता खोज के लेकर आओ। क्यों? क्योंकि उस जमाने में भारत का मसाला विश्व पर राज करता था, भारत का कपड़ा विश्व पर राज करता था, भारत की संस्कृति, उस जमाने में यह डब्बा नहीं होता था। आजकल के जमाने में तो डब्बे के बिना जिंदगी नहीं निकलती, और भगवान जाने क्या करें, एक तरीके से सहायता करती है, करता है डब्बा, एक तरीके से हमको परेशान कर देता है कि छोड़ता नहीं। तो भारत का कपड़ा